हाय, आज इस सेशन में हम लोग बात करने आए हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अनइक्वल अमाउंट होती है और अनइक्वल डेट में हो रहा था, उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके लिए अभी तक हम लोग जैसे बात किया था मंथली बेसिस पे, बात किया था फर्स्ट सेशन में कि एवरी मंथ में बिगनिंग में करता है, मिडिल में या एंड में। सेकंड में हम लोगों ने बात किया था क्वार्टरली के बेसिस में, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्या है यहाँ पे, जो अनइक्वल अमाउंट हो और अनइक्वल डेट की कंडीशन होता, जैसे इफ द पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट एट डिफरेंट डेट, अनइक्वल अमाउंट है और डिफरेंट डेट में हो रहा, तब की कंडीशन में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक आते हैं एक एग्जांपल के साथ, जैसे यहाँ पे दिया, सपोज पे मानते हैं फर्स्ट में इनका फाइनेंशियल ईयर वही चल रहा है अप्रैल टू मार्च। फर्स्ट में को उन्होंने विड्रॉ किया 1000, फर्स्ट अगस्त को विड्रॉ किया 2500। अगर इनका डेट देखिएगा तो मई के बाद, मई जून जुलाई के बाद, फिर क्या आ रहा है अगस्त आ रहा है 2500, यानी अमाउंट भी क्या है अनइक्वल है। फिर 30 सितंबर 1000, फिर 31 जनवरी 5000 एंड फर्स्ट मार्च 1000। इस टाइप से क्या हुआ, इनकी अमाउंट जो हो रही है क्या रही है, अनइक्वल हो रही है, यानी इक्वल अमाउंट नहीं है। और यहाँ पर डेट भी क्या है अनइक्वल है। अब इसके लिए ओनली केवल मेथड का यूज हो सकता है, केवल प्रोडक्ट मेथड का यूज हो सकता है, एवरेज पीरियड मेथड का नहीं। अब देखिए इसमें कैसे निकालते हैं कैलकुलेट, जैसे फर्स्ट मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ जाएंगे, 11 मंथ। फर्स्ट अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ, 30 सितंबर टू 31 मार्च 6 मंथ, 31 जनवरी टू 31 मार्च 2 मंथ एंड फर्स्ट मार्च से लेके 31 मार्च 1 मंथ। अब इसको मल्टीप्लाई किया यहां पे 1000 इंटू 11 किया तो 11000, 2500 इंटू 8 किया 20000, 1000 इंटू 6 किया तो कितना आया 6000, 5000 इंटू 2 किया तो कितना आ गया 10000, 1000 इंटू 1 किया तो कितना आया 1000, सबको टोटल किया 48000। सेम इसमें भी इंटरेस्ट ऑन रेट एट द रेट ऑफ 10% एज्यूम किया हुआ है, तो टोटल कितनी आ गई 48000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 कितना आ गया यहां पे 400। ये तो था, अब जब एवरेज पीरियड की कंडीशन में आता तो यहां पे ये इसका यूज नहीं होता है। ओनली किस मेथड का यूज हो सकता है, प्रोडक्ट मेथड का। ठीक, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी अमाउंट भी क्या है अनइक्वल है और डेट भी क्या हो रही है अलग अलग डिफरेंट डेट हो रही है, इसकी कंडीशन में ओनली केवल किस मेथड का यूज हो सकता है, प्रोडक्ट मेथड का। ये तो एक कंडीशन थी। अगर अब क्या होती है कि अगर कोई टाइम पीरियड न दिया हो और विड्रॉ दिया हुआ है, तब की कंडीशन में क्या है, एक कॉल लेके चलते हैं फिर से इसमें बात किया जाए। यहां पे अगर अनइक्वल अमाउंट है या अनइक्वल डेट की कंडीशन हो रही है तो ओनली किस मेथड का यूज होगा, प्रोडक्ट मेथड का। ठीक, अब नेक्स्ट जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, अगर केवल दे रहा है कि तो फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया हुआ, कोई डेट नहीं दिया है कि किस डेट को उसने विड्रॉ किया है, तो उसमें हमेशा किसके बेसिस चलता है, बेस ऑफ 6 मंथ। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए जो देखिएगा, अगर दिया हुआ है कि इफ द ड्रॉइंग द ड्रॉइंग द ईयर में दिया हुआ है अमाउंट रुपीज समथिंग कुछ दिया, सपोज करते हैं इफ द ड्रॉइंग दिया ओनली केवल 10000 का, ये जो 10000 की जो ड्रॉइंग दिया हुआ है कोई डेट नहीं दिया है कि किस डेट को कर रहा है, जनवरी अप्रैल से लेके 31 मार्च में कोई डेट नहीं दिया है, जितना परसेंट तब की कंडीशन में मान लेते हैं यहां पे भी इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो पर एनम के हिसाब से कितना हो जा रहा है, इनटू 10/100 इंटू 6/12 जो भी अमाउंट आएगी, कितना है यहां पे रुपीज 500, ये क्या हो गए, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। अगर कोई डेट नहीं दिया हुआ है, फिक्स अमाउंट दे रहा है कि फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है, एज्यूमिंग डेट अमाउंट उन्होंने एज्यूम किया, सपोज कि 10000 दिया हुआ है और कोई डेट नहीं दे रहा है किस डेट को विड्रॉ किया हुआ है, तो जितना परसेंट है इंटू रेट बाय अपॉन 100 इंटू 6/12 इसके बेसिस पे आती है। अगर क्वेश्चन दिया है तो ड्रॉइंग दे रहा 1000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन कोई डेट नहीं दिया हुआ है, बिगनिंग है या मिडिल है या एंड है। अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर में
किसी पार्टनर ने जो विड्रॉ किया है 1000 विड्रॉ कर रहा है पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, लेकिन बिगनिंग मिडिल और एंड नहीं दिया है, तब की कंडीशन में क्या होगा? अगर मान लीजिए 1000 पर मंथ है, ये तो ए कंडीशन हो गई। बी कंडीशन क्या हो सकता है कि जैसे सपोज किया 1000 पर मंथ दिया हुआ है लेकिन डेट नहीं दिया, नहीं दिया है मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है या बिगनिंग में, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ तो हमेशा कितना हुआ 1000 × 12 किया तो कितना आ गया, यहाँ पे टोटल हो लिया अभी कितना हुआ 12000। जब कोई डेट नहीं देता है तब की कंडीशन में भी यहाँ पे अप्लाई किया किस के हिसाब से हो सकता है, बेस ऑफ 6 मंथ, जैसे यहाँ पे हुआ 12000 × रेट वाइज लेते हैं 10/100 × 6/12, ठीक। अब जितना भी आ रहा है 2 कितना आ गया यहाँ पे 600, ये किस कंडीशन में होता है, यहाँ पे दिया हुआ है विड्रॉ कर रहा है किस हिसाब से, जैसे ड्रॉइंग वाली 1000 पर मंथ के हिसाब से, 1000 पर मंथ है लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं दिया हुआ है कि बिगनिंग है मिडिल है या एंड है, तब की कंडीशन में 1000 पर मंथ है तो 1000 × 12 किया तो 12 मंथ में कितना विड्रॉ किया 12000, तो 12000 × 10/100 × 6/12, क्योंकि इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया था इसलिए बेस ऑफ 6 मंथ होगा। अब कुछ और चीजें हैं, अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने के लिए यहाँ पे अगर पर एनम दिया हुआ है तब तो पर एनम में टाइम फैक्टर यूज होगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है टाइम फैक्टर, यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है, अब इसी सब क्वेश्चन को हम लोग दूसरे हिसाब से देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो ये है फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर पर एनम दिया था आपकी कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है एट द रेट ऑफ 10% दिया हुआ, यहाँ पे कोई पर एनम नहीं दिया तब की कंडीशन में, जब एक ही क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट मेथड में सपोज की जैसे उन्होंने बात किया कि 1000 है, ठीक है, तो इसका एक कंडीशन में क्या हो गया कि टोटल सपोज अभी हमने जो बात किया था 10000 × 10/100 × 6/12, ये किस कंडीशन में हो रहा था फर्स्ट वाले में, ठीक है। अब इसकी कंडीशन में तो ये हो गया कि 6/12 किया तो कितना आया था यहाँ पे 500, लेकिन इसी को अगर हम लोग ने दूसरे कंडीशन में लिया अप्लाई किया तब कंडीशन क्या होगा 10000 × 10/100, यहां पे पर एनम नहीं दिया हुआ, यहां पे देखिएगा पर एनम दिया हुआ, यहां पे पर एनम नहीं दिया है, तो जितना परसेंटेज हो रहा है वही परसेंटेज यहां पे कैलकुलेट होगी, ठीक। अगर पर एनम का यूज किया होगा तो उसमें टाइम फैक्टर का यूज होगा, यानी 6/12 या जो भी टाइम फैक्टर होगा, अगर कोई पर एनम नहीं दिया हुआ है तो जितने परसेंट का दे रहा होता है परसेंट निकाल के क्या निकल जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी। तो ये तो थे हमारे, अब इसके अलावा क्वार्टरली भी हो सकते, क्वार्टरली बताया जाता हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, ये तो थे हमारे टोटल किसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे वो किससे आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और उससे जो भी हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए कैसे कैपिटल फाइंड किया जाता है वो सब भी शो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।